आज अपन बहुत ही क्रिस्पी शक्करपारे बनाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। चोखी कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो अपन बिल्कुल न्यू स्टाइल में शक्करपारे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कप चीनी ली है। चीनी को अपन पीस लेंगे। तो मैंने पीस लिया है। अब अपन एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। एक कप देसी घी ऐड करेंगे और एक कप अपन दूध ऐड करेंगे और अच्छे से अपन मिक्स कर देंगे, मेल्ट कर देंगे इसको। तो मैं चम्मच से अच्छे से मेल्ट कर देती हूँ। अब अपन इसमें दो कप मैदा ऐड करेंगे। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो, पर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अपन दो कप मैदा ऐड कर देंगे और एक परफेक्ट सा डो लगा लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक परफेक्ट सा आटा गूँथ लेंगे। तो मैं परफेक्ट सा आटा गूँथ लेती हूँ। ये आटा अपना रेडी है। अब अपन 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो आटा अपना रेस्ट कर चुका है। अब अपन छोटी छोटी पेड़ी लेंगे और ऐसे हाथों से रोल कर करके और अपन रख देंगे सभी पेड़ी। तो मैंने सभी पेड़ी रेडी कर ली हैं। अब एक कटर की सहायता से अपन गोल शेप दे देंगे। इधर पहले अपन ऑयल गरम कर लेते हैं। आप चाहो तो घी या तेल कुछ भी ले सकते हो। ऑयल अपना गरम हो चुका है। ऐसे अपन हथेली से प्रेस देते हुए और सभी बिस्किट ऐसे ही रेडी कर लेंगे। हल्का सा हथेली का प्रेस देके और कटर से ऐसे गोल शेप दे देंगे और अपन सभी बिस्किट को तेल में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लो फ्लेम रखना है और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म करना है, जिससे कि बिस्किट अपने क्रिस्पी बने। तो अपन चम्मच से ऐसे पलट पलट करते रहेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे, जब तक कि सुनहरा सा कलर नहीं आ जाएगा। तो अपन पलटते रहेंगे लगातार ऐसे चम्मच से, जिससे कि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से सिक चुके हैं बिस्किट अपने, कितना अच्छा सा कलर आ गया है, कितने खिले खिले से बने हैं। अब अपन एक झर की सहायता से ऐसे निकाल लेंगे छटक छटक के, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आए। तो मैं सभी बिस्किट्स को निकाल लेती हूँ और सेकंड राउंड भी अपन ऐसे ही सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कितने परफेक्ट से बिस्किट अपने रेडी हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे सिके हैं, कैसे बीच में से ऐसे खिले खिले से बने हैं। ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।